हेलो फ्रेंड्स, कविता स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग करना। तो ये अस्तर है और ये देखिए इस तरह से मैं तो इसको हम कैसे बनाते हैं ये देख सकते हैं। ये आगे के पल्ला में मैं बनाऊंगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आगे के पल्ले में ज़्यादा अच्छा होगा कि पीछे के पल्ले में। तो इस तरह से ये डिजाइन दिया हुआ है और ये देखिए ये हमारा बाजू पर आएगा, तो इसको हमको बनाना है, देख सकते हैं। और बाकी का जो है सो हमारा आगे पीछे का पल्ला में आएगा और बाजू भी सिंपल आएगा, सिर्फ ये बॉर्डर आएगा। और ये देख सकते हैं इसका डिजाइनिंग इस तरह से है। मैं तो इसको आगे के पल्ले में बनाऊंगी। आप लोग बताइएगा कि ये किस पल्ले में ज़्यादा अच्छा लगेगा, आगे में या पीछे में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मैं इसको अब कटिंग करती हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल आसान और इजी तरीका से कटिंग करना बताऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। पहले मेजरमेंट जान लेते हैं। ब्लाउज का लंबाई होगा 13 इंची, सीना होगा इसका 40 इंची, कमर होगा इसका 32 इंची। तो इसको हम कैसे कटिंग करें, ये देखिए। यहाँ से हम पहले इसका लंबाई निकालेंगे। यहाँ से इसका लंबाई ये हमारा 13 इंची पर तैयार रहेगा और 1 इंची 1.5 इंची सिलाई मार दीजिए, तो ये इतना ही रहने देंगे। अब यहाँ से लेते हैं इसका सीना। सीना इसका 40 इंची है, तो 1/4 10 इंची और 2 इंची हमारा सिलाई मार्जिन है, तो यहाँ पर आएगा। यहाँ से हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमारा फोल्ड में कपड़ा फोल्ड हो चुका है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे करके कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से कटिंग करने के बाद यहाँ से हम इसको खोल देंगे। आगे पीछे का पल्ला हमारा एक ही बार में कटिंग हो जाएगा, ये देख सकते हैं। इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे और यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। जब भी हम फोल्ड करेंगे तो हमारा आगे का पल्ला 1 इंची बड़ा रहेगा और पीछे का पल्ला 1 इंची छोटा रहेगा। जो हमारा बड़ा वाला पल्ला है वो हमारा आगे का रहेगा, जो 1 इंची छोटा है वो पीछे का रहेगा। अब यहाँ से इसका तीरा लेंगे 5 इंची, यहाँ पर निशान लगाएंगे, इसका आर्म होल लेंगे 5 इंची, यहाँ पर निशान लगाएंगे और इधर भी लेंगे 5 इंची, यहाँ निशान लगाएंगे। इसको हम यहाँ से सीधा कर देंगे। इसका सीना 40 इंची है, तो 1/4 10 इंची, नीचे भी हम लेंगे 10 इंची। इस निशान को हम यहाँ से ऐसे सीधा कर देंगे, ये देख सकते हैं। आगे पीछे का पल्ला एक ही बार में कटिंग हो रहा है, तो मैं यहाँ से 1 इंची पर गोलाई बनाऊंगी, ये देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो जितना पार्ट है इसका हाफ कर देंगे, इसका भी हाफ कर देंगे। यहीं से हमारा गोलाई बनना स्टार्ट होगा, ये देख सकते हैं। यहाँ से ऐसे लाना है और यहाँ से थोड़ा सा डाउन कर देना है। अब यहाँ से गला बनाएंगे हम 2 इंची पर। गला का चौड़ाई 2 इंची, 2 का डबल होगा हमारा 4 इंची। ये गला फैलने के बाद इसका खूबसूरत बढ़ता है। और पीछे का गला डीप रखेंगे 9 इंची, आगे का रखेंगे 6 इंची, 6 इंची हर किसी साइज में पड़ता है, शायद ही थोड़ा सा बड़ा छोटा होता होगा, नहीं तो बिल्कुल 6 इंची पर ही फिटिंग होता है। यहाँ पर हमने 2 इंची लिया है, तो यहाँ पर हम 2.5 इंची लेंगे। यहाँ पर इसको हम यहाँ से सीधा कर देंगे और इसको हम यहाँ से गोलाई बनाना स्टार्ट करेंगे, ये देख सकते हैं। अब यहाँ से 40 इंची सीना है, तो हम यहाँ से 5 इंची पर निशान लगाएंगे यहाँ पर। अब इसका उठाव हम देंगे 4 इंची, यहाँ निशान लगाएंगे, 1/2 इंची इधर दबाना है, 1/2 इंची इधर दबाना है। इस तरह से हमारा पूरा निशान लग चुका है, इसी पर हमारा कटिंग होगा। देख सकते हैं यहाँ से हमारा दोनों पल्ला का काफी कटिंग हो चुका है। अब यहाँ से हम अभी पीछे का गला कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हम दोनों पल्ला अलग कर देंगे। यहाँ से आ गया। अब यहाँ से पीछे का पल्ला लेंगे
और आधा इंची हमको कपड़ा और कटिंग करना होगा, क्योंकि आगे से आई हुक में ये कपड़ा दबेगा तो हमारा इस तरह से कटिंग हो जाएगा, तो हमारा आगे पीछे का पल्ला सेम बराबर रहेगा, बड़ा छोटा नहीं होगा। अब यहाँ पर एक कट का निशान लगा देंगे ताकि हमारा दोनों कट बराबर, दोनों टेकिंग बराबर में है, तो देख सकते हैं इसका गला का फिनिश। अब यहाँ से आते हैं आगे का पल्ला में। अब यहाँ से देखिए आधा इंची कपड़ा हमको और आगे के पल्ला में कटिंग करना है। ये कटिंग कर देने से बिल्कुल फिटिंग आती है फिनिशिंग के साथ इस तरह से। अब यहाँ से आते हैं, ये देखिए इसका सीना एक चौथाई 10 इंची यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर सीधा कर देंगे। अब यहाँ से आते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ से लेंगे हम आधा इंची, हमारा सिलाई में दब जाएगा तो उस वहाँ से हम लेंगे 9.5 इंची। मैं यहाँ पर पूरा ले रही हूँ, अगर आप इसको सिलाई मार्जिन छोड़ कर लीजिएगा तो 9 इंची, नहीं तो यहाँ से पूरा ले रहे हैं तो 9.5 इंची। 9.5 इंची पर हम यहाँ पर एक निशान लगा देंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ से 1 इंची नीचे हम निशान यहाँ पर लगाएंगे, 1 इंची हम इधर निशान लगाएंगे, सेम 1 इंची इधर भी निशान लगाएंगे। अब इस निशान से हम ये वाला निशान 1.5 इंची पर लगाएंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे लाएंगे, यहाँ पर ऐसे और इसको यहाँ से ऐसे और ये वाला ऐसे, तो ये देख सकते हैं इसका फिनिशिंग इस तरह से। ये टेकिन हमारा 1/2 इंची पर बनेगा और ये टेकिन हमारा बनेगा 1 इंची पर ऐसे। आप चाहें तो 1.5 इंची पर भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पर 1/2 इंची इधर, 1/2 इंची इधर, 1 इंची पर इसका टेकिन बनाऊंगी। अब यहाँ से हम इसको खोलेंगे, आई हुक बनाएंगे तो यहाँ पर कट का निशान लगा देंगे ताकि जब मैं इसको खोले तो बिल्कुल बराबर आना चाहिए, और एक कट मैं यहाँ पर भी लगा दूंगी ताकि जब मैं स्टिचिंग करूँ तो ये बिल्कुल कट से फिटिंग होगा, बार बार नापना जरूरी नहीं पड़ेगा। और ये देखिए इसको हम यहाँ से ऐसे करके फोल्ड कर देंगे ताकि हमारा सेम दोनों तरफ इनका निशान उठ जाए। तो ये देखिए हल्का हल्का उठ गया है, इसी पर हम टैप कर देंगे। यहाँ से हमारा हो चुका है। अब यहाँ से आते हैं हम बाजू का गोलाई, यहाँ से 1/2 इंची जितना हमारा सिलाई में दबता है उसको छोड़ते हुए यहाँ से इसका गोलाई नापेंगे, तो ये आ रहा है हमारा 9.25 इंची। तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे और ये देखिए बाजू के लिए हमारा फोर फोल्ड कपड़ा लेंगे। अब यहाँ से इसको हम इसका चौड़ाई देखेंगे तो ये हमारा 7.5 इंची है, यहाँ तक आएगा, लेकिन इसमें हमको कपड़ा जोड़ना पड़ेगा तो मैं इसमें एक कपड़ा जोड़ दूंगी ताकि हमारा बिल्कुल बराबर हो, हमारा बाजू कम नहीं होना चाहिए। ये कपड़ा लेंगे और यहाँ से मैं इसको जोड़ दूंगी। तो ये देखिए ये कपड़ा हमने जोड़ दिया है, अब इसका लंबाई बढ़ गया है, अब यहाँ से चौड़ाई इसका बढ़ गया है। अब यहाँ से इसको हम फोल्ड फोल्ड में फोल्ड कर देंगे। यहाँ से फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम 1 इंची या 1.5 इंची हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन लेंगे, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 इंची, 1 इंची यहाँ से ऐसे करके सीधा निशान लगा देंगे। अब यहाँ से लेंगे बाजू का लंबाई, मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5.5 इंची, इधर भी लेंगे 5.5 इंची, इस निशान को हम यहाँ से ऐसे करके सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हम 2.5 इंची सीधा ले जाएंगे, अब यहाँ से हम 3 इंची पर सेप बनाएंगे ऐसे, 2.5 इंची हमारा सीधा आएगा और यहाँ तक मिल जाएगा।
तो ये देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ से बाजू का गोलाई हमारा फिटिंग का रहेगा 6.5 इंची, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से लेंगे बाजू का, यहाँ से आर्म होल वाला, तो यहाँ पर हमारा 9.25 इंची था, तो यहाँ पर 9.25 इंची पर निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर देंगे। अब इसमें हम लेंगे सिलाई मार्जिन, मैं यहाँ पर सिलाई मार्जिन ले रही हूँ 1.5 इंची, यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसी निशान से मैं कट कर दूंगी। तो ये देखिए यहाँ से हमारा कटिंग स्टार्ट होगा। और ये देखिए हमारा बाजू कटिंग हो चुका है। यहाँ से जो हमारा कटा हुआ है उसको खोल देंगे और यहाँ से ऐसे खोल देंगे। और ये देखिए ये हमारा बीच का सेंटर है, वहाँ से हम 1 इंची छोड़ते हुए यहाँ से गोलाई में हम 0.5 इंची कपड़ा और कटिंग कर देंगे फिटिंग तक। तो यहाँ से आ रहा है हमारा, यहाँ से ऐसे लाएंगे, बिल्कुल गोलाई में लाना है ये ऐसे। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी हम एक कट का निशान लगा देंगे ताकि जब हम बाजू अटैच करें तो ये हमारा बिल्कुल सीधा पर आना चाहिए। और यहाँ पर भी एक कट का निशान लगा देंगे ताकि ये कटिंग वाला पार्ट हमारा आगे के पल्ले में आना चाहिए। तो इस तरह से देख सकते हैं हमारा आगे पीछे का पल्ला कटिंग हो चुका है। अब मैं इसको कैसे इस पर बनाऊंगी, तो ये देखिए इसको हम आगे का पल्ला हो या पीछे का पल्ला, अगर आप पीछे के पल्ले में बनाते हैं तो यहाँ पर हम पीछे का पल्ला रखेंगे, अगर हम आगे का, हम तो यहाँ पर आगे का पल्ला रखेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐसे करके ये वाला पल्ला सीधा रख दूंगी और ये हमारा कपड़ा है सीधा वाला, सो हमारा नीचे चल जाएगा। अब यहाँ से ये जो हमारा आगे का पल्ला है मैं बराबर में लूंगी और यहाँ से ऐसे रख दूंगी, आधा गल्ला हमारा इस इधर आना चाहिए और आधा गल्ला हमारा उधर आना चाहिए। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमारा डिजाइन बना।